अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये तो मर गया था ना, फिर आप दोनों यहां तुमने बांधा है ना रक्षा सूत्र उसके हाथ में? बोल तूने बांधा है? बोल तूने बांधा है रक्षा कवच उसके हाथ में? क्यों बांधा? बोल कहां से लाई थी रक्षा कवच? नागिन है ना तू? पता चल गया, इसका मतलब है कि ये रक्षा सूत्र काम कर रहा है। बुलबुल बच्चा, आप ठीक है ना? बस आज के बाद अगर हमारी बेटी की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमने एक चुड़ैल के ऊपर हाथ उठाया। भोलेनाथ जी प्लीज मेरे पापा को बचा लेना। क्या मैं तो देव को रक्षा कवच के कारण छू भी नहीं सकती? मुझे कुछ तो करना होगा, इस कवच को हटाना होगा। मैंने पूछा क्या किया तुमने देव के साथ, उसकी ऐसी हालत कैसे हुई? मैंने क्या, मैंने तो इतना याद रखना, अगर देव को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रिलैक्स, हो क्या क्या है तुम्हें? और ये क्या देव के नाम की माला रटी जा रही हो तुम? भूल गई क्या कि तुम यहां किसी मकसद से आई थी? देव के नाम की माला चपने नहीं। भोलेनाथ जी, मेरे पापा को क्या हो गया? ना वो बात कर रहे हैं और वो उठ भी नहीं रहे। अभी तो मुझे माँ मिली है। प्लीज भोलेनाथ जी, मेरे पापा को ठीक कर देना, उन्हें मुझसे दूर मत करना।
सच सच बता कि वो नाग रक्षा सूत्र कौन लेकर आया। तुम्हें शर्म नहीं आती? वहाँ मेरे पापा बीमार हैं और आप यहाँ ये सब कर रही हो? मेरे साथ चालाकी मत करना। मुंह खोल अपना और पता तेरी माँ लेकर आई थी ना वो। ये रक्षा सूत्र है, ये हम पापा के हाथों में बांधेंगे ना तो ये उनकी रक्षा करेगा। तेरी माँ ने तुझे एक बात नहीं सिखाई कि बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं? पता है ना झूठ नहीं बोलते बच्चे, सच बोल। सच बोल। सॉरी भोलेनाथ जी, लेकिन माँ को इस गंदी आंटी से बचाना है तो मुझे ये झूठ बोलना होगा। अगर मैंने इन्हें सच बता दिया कि माँ ही वो धागा लाई थी तो ये माँ को पक्का परेशान करेंगी। नहीं मानेगी ना, मुझे पता है तू ठीठ है। बोल। नीचे उतारो मुझे, नीचे उतारो। बोल कौन लेकर आया था? नीचे उतारो, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। माँ, देखिए इश्क की दास्तान नागमणि सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।